जैसे ही हमें देखे खुद वो कुर्सी छोड़कर मेरे पास आए, बोले बाबू क्या बात है, तो अपना नाम बताए, किस लिए आए वो बताए, बोले कि ठीक है जाइए, आपका आपके दिशा में काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा। हम लोग जुआ हैं, जुआ को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार नौकरी मिलेगा तो हम काहे नहीं इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री भी बना देंगे भाई, मुख्यमंत्री क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, बहुत खुश है, बहुत खुश है, पूरा बिहार खुश है, पूरा बिहार खुश है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर, और एक विकलांग व्यक्ति हैं जो श्री लालू प्रसाद यादव जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बधाई देने आए हैं और मिलने आए हैं। इनका क्या कहना है, कितना दूर से है, क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा हुआ और हम लखीसराय से आ रहे हैं, और हम लोग 7th phase के लिए सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। हम लोग प्रारंभिक शिक्षा विज्ञप्ति के निकलवाने के लिए हम लोग ने माननीय तेजस्वी सर के पास आए हैं। तेजस्वी जी ने हमें दिया, बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत सकारात्मक जवाब दिए। जैसे ही हमें देखे खुद वो कुर्सी छोड़कर मेरे पास आए, बोले बाबू क्या बात है, तो अपना नाम बताए, किस लिए आए वो बताए, बोले कि ठीक है जाइए, आपका आपके दिशा में काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा, आप निकल जाइए। और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे मतलब मिल गया, मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा, सकारात्मक टोटल बात रहा है। क्या लगता है, जिस प्रकार से आप मिले, मुलाकात किए, बहुत दूर से आए हैं जी, लगता है कि युवाओं के लिए युवा सरकार काम करेगी? हाँ बिल्कुल, हमको पूर्ण भरोसा है कि ये जो तेजस्वी सर हैं वो खुद युवा हैं और हम युवाओं को दर्द समझते हैं। हमें खुशी है कि वो बने हैं और हम लोग कल्याण करेंगे। वो जितना आश्वासन दिए आज भी वो कह रहे हैं कि आप लोग के दिशा में काम हो रही है और जल्द से जल्द ये काम होंगे, लगता है कि हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सर सुमित मेहता नवाड़िया जिला से आए हैं। सर हम लोग का शेड्यूल मांग है, शेड्यूल जारी कर दिया जाए प्राथमिक विभूति के लिए। हम लोग आंदोलन 1 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। हमारे आलोक मेहता जी जितने भी गए थे विपक्ष के नेता, हम लोगों को ने कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राथमिक विद्यालय में आपका विद्यालय में जाया जाएगा, आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। युवा सरकार है, लगता है भरोसा युवा सरकार में? देखिए नई नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं और सरकार हमारी उम्मीदों को पूरा करेगी और हमें रोड पर से और स्कूल में भिजवाने का काम करेगी। और पिछला 3 साल से लालू जी और तेजस्वी जी और उनके पूरे पार्टी ने हमारा समर्थन किया है शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक 1-8 अभ्यर्थियों का, और ये हमको रोड पर से स्कूल में भेजेंगे और आज बोल भी दिए कि आप पर काम हो रहा है और जल्द ही आपको स्कूल में भेजेंगे। बिल्कुल स्कूल में भेजेंगे जल्द ही। रोड पर से सिर्फ वोट पे जाना चाहते हैं और हमारी कोई मांग नहीं है, हम सरकार पे भरोसा है जी, पूरा पूरा भरोसा है। अगला बार मतलब मुख्यमंत्री बना दीजिए एकदम पक्का। वो ऐसी सरकार है, हम लोग जुआ हैं, जुआ को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार नौकरी मिलेगा तो हम काहे नहीं इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री भी बना देंगे भाई, मुख्यमंत्री क्या होता है। तो युवाओं में बहुत जोश है, जुनून है, लोग कह रहे हैं कि इस बार अगला बार जो है मुख्यमंत्री हम बना देंगे तेजस्वी जी को। बहुत सारे समर्थक, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? विकास दुबे। कहाँ से आए आप? नालंदा जिला के रहने वाले हैं। नालंदा जिला से रहने वाले हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुई या हाँ, तेजस्वी जी से? नहीं, सबसे मुलाकात हुआ, पूरा परिवार से मुलाकात हुआ। क्या हुआ, क्या बोले? पूरा की सभी जनता को खुश रहने का है, रोजगार मिलेगा, टेंशन मत लो, रोजगार मिलेगा, टेंशन हाँ टेंशन मत लीजिए, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। बहुत खुश है, बहुत खुश है, पूरा बिहार खुश है, पूरा बिहार खुश है, तो पूरा बिहार खुश है, पूरा बिहार के युवा खुश है। तेजस्वी सरकार जब से आई है, जब से पूरा बिहार खुश है, पर एक काम होगा। जिस तरीका से बीजेपी वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि 10 लाख रोजगार क्या हुआ कि वादा किए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया और कहा कि 10 लाख नौकरी के साथ साथ 10 लाख बोनस में हम रोजगार भी देंगे यानी 20 लाख, तब से बीजेपी वाले की चुप्पी चुप चले हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बनी है और तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी आए हैं, जिस प्रकार से बिहार में जो माहौल है सब खुश हैं, क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।